देश में ये ट्रैक पर टनल फैलाने की साजिशें लगातार बढ़ रही हैं। पिछले 13 दिनों में रेल को पलटाने की 6 बड़ी साजिशें हो चुकी हैं। इस बार कानपुर में दोबारा रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर ब्लास्ट का षड्यंत्र रचा गया। इसके पहले अजमेर में ट्रैक पर सीमेंट के भारी ब्लॉक रखकर मालगाड़ी को बेपटरी करने का जाल बुना गया। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर के किसके टारगेट पर भारतीय रेल। पहले कानपुर में रेल डिरेल की साजिश, अब दोबारा कानपुर में फिर रेल बनी टारगेट। एमपी के बुरहानपुर में भी बड़ी साजिश, स्पेशल ट्रेन को ब्लास्ट से उड़ाने की कोशिश। अजमेर में भी ट्रेन बेपटरी करने की कोशिश, फिर सूरत के पास रेल पलटाने की साजिश। पुश प्लेट और चाबियों को खोलने के पीछे कौन, ये कौन है जो लोगों की जान से खेल रहे हैं? रेलवे ट्रैक पर टेरर फैलाने की साजिश किसकी है? कौन है जो देश की लाइफलाइन को टारगेट कर रहा है? पिछले 12 दिन में ट्रेन को पलटाने की 6 बार साजिश हो चुकी है और ट्रेन के ट्रैक से खेलने की ये साजिशें होश उड़ाने वाली है। पहली तस्वीर 9 सितंबर 2024, दूसरी तस्वीर 22 सितंबर 2024। नौ सितंबर को कानपुर में ट्रेन को पलटाने की साजिश की गई थी, लेकिन हद तो तब हो गई जो 12 दिन बाद एक बार फिर से कानपुर में उसी साजिश को दोहराया गया। यानी पिछली वारदात के बाद साजिशकर्ताओं के हौसले पस्त होने की बजाय और बुलंद हो गए। कानपुर में एक बार फिर से ट्रेन पलटाने की साजिश की गई। यहां पटरी पर गैस सिलेंडर रखा गया था और शुक्र था कि ड्राइवर की पहले ही नजर पड़ गई। सुबह 6 बजे के आसपास, 5 मिनट आगे पीछे होगा, यहाँ से एक मालगाड़ी जा रही थी और उसके ड्राइवर ने देखा कि ट्रैक पे कुछ रखा है। उसने समय रहते हुए गाड़ी को रोकी थी। मालगाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी को रोका और उतर के देखा तो यहाँ पर एक छोटा सा सिलेंडर जो करीब 5 केजी के आसपास का होता है वो पाया गया है। ये सूचना पर हमारे जो आरपीएफ के, जीआरपी के और सिविल पुलिस के अधिकारी मौके पर आए हैं। जो भी मिसचीव कर रहा है, आज की घटना को भी इस क्रम में हम लोग जोड़ेंगे और उसमें विवेचना करेंगे और जैसा भी प्रगति होगा तो आपको बताएंगे। उसने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। ठीक 10 फीट पहले गुड्स ट्रेन रुक गए। घटना रविवार सुबह 5:50 की है। कानपुर से 35 किलोमीटर दूर प्रेमपुर रेलवे स्टेशन की घटना है। प्रेमपुर दिल्ली हावड़ा रूट पर कानपुर और प्रयागराज के बीच है। मालगाड़ी कानपुर से प्रयागराज जा रही थी। प्रेमपुर में गुड्स ट्रेन का स्टॉप था। आज प्रयागराज मंडल के प्रयागराज से कानपुर खंड में प्रेमपुर स्टेशन, जो कि कानपुर देहात जिले के अधीन आता है, वहां पे एक गुड्स ट्रेन JTTN रिसीव हो रही थी लूप लाइन पे। तो उसके लोको पायलट ने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे ही उसकी ट्रेन इंटर कर रही थी कि कोई एक छोटा घरेलू जो सिलेंडर है 5 लीटर वाला, वो उसको ट्रैक पे पड़ा हुआ दिखा। उसने तुरंत ही सजगता का परिचय देते हुए उसको अपनी ट्रेन को कंट्रोल किया और उस सिलेंडर से थोड़ा सा पहले ही गाड़ी को, 2-3 मीटर पहले ही गाड़ी को रोक लिया। निश्चित रूप से लोको पायलट ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। और जो ये घटना थी, इसके पश्चात तुरंत ही लोको पायलट ने कंट्रोल को एवं जो संबंधित अधिकारी है उनको सूचित किया। ट्रेन की स्पीड धीमी थी। लोको पायलट ने ट्रेन पर सिलेंडर रखा देखा तो घबरा गया, तुरंत इमरजेंसी ब्रेक मारे। ट्रेन रुकते रुकते सिलेंडर के करीब तक पहुंच गए। ड्राइवर ने उतर कर देखा तो 5 किलोग्राम का गैस सिलेंडर पटरी पर सटा कर रखा गया था। उसने तुरंत सीनियर ऑफिसर को इसकी सूचना दी। सिलेंडर रखे होने की खबर मिलते ही रेलवे में हड़कंप मच गया। यूपी में 38 दिनों में ही ट्रेन पलटाने की ये 5वीं साजिश है और इससे पहले कानपुर में ही 8 सितंबर को कासगंज रूट पर भरा सिलेंडर रखकर कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश रच गई थी। ट्रेन के पास बोतल में पेट्रोल और बारूद रखा मिला था। कानपुर में फिर से एक बार ट्रेन को पलटाने की साजिश की गई है। ये साजिश दिल्ली हावड़ा रूट पर की गई है।
कानपुर से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के 500 मीटर दूरी पर जो लूप लाइन है उसके ऊपर एक सिलेंडर रखा गया था। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से ड्राइवर ने पहले से ही सिलेंडर देख लिया और ट्रेन को रोक दिया। रोकने के बाद जब ड्राइवर ने पूरा चेक किया, चेक करने के बाद आला अधिकारियों को सूचित किया। आला अधिकारी मौके पर आए और जांच में जुट गए हैं। आपको बता दें कि इसमें आरपीएफ, जीआरपी और कानपुर पुलिस भी लगातार जांच कर रही है आखिर ये जो सिलेंडर मिला है इसमें क्या कोई साजिश है या फिर शरारत है। आपको बता दें कि लगातार कानपुर में पिछले 28 दिनों में ये तीसरी ऐसी घटना है जो कि अंजाम देने को प्रयास किया गया। इससे पहले पनकी में एक ट्रेन को जेल किया गया था जिसके 20 डब्बे ट्रेन से पटरी से उतर गए थे। उतरने के बाद उसमें हालांकि कोई हताहत नहीं थी, पुलिस लगातार इस प्रकरण में जांच कर रही है। वहीं कुछ दिनों पहले कालिंदी एक्सप्रेस को भी पलटाने की साजिश की गई थी जिसके सामने एक बड़ा सिलेंडर रखा गया था। सिलेंडर रखने के बाद जब ड्राइवर ने उसको देखा, देखने के बाद जब उसने आला अधिकारियों को सूचित किया तो अधिकारी मौके पर आए जिसमें एनआईए, एटीएस समेत जितनी भी एजेंसियां हैं देश की सब जांच कर रही हैं। फिलहाल अभी तक कुछ इस तथ्यों में निकल के नहीं आए, लेकिन जिस तरह से लगातार इस तरीके के कानपुर में साजिशें हो रही हैं कहीं ना कहीं एक बड़ी आतंकी घटना को भी अंजाम देने की साजिश की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ निकल के आता, लेकिन जिस हिसाब से लगातार साजिश पे साजिश हो रही है अब इसमें पुलिस हो चाहे एटीएस हो चाहे एनआईए हो लगातार जाँच कर रही है। यूपी का कानपुर, एमपी का बुरहानपुर, गुजरात का सूरत, इंडियन रेल करोड़ों भारतीयों की लाइफलाइन है। हर दिन करोड़ों लोग अलग अलग ट्रेन से सफर करते हैं। ट्रेन के सफर को हमेशा से सेफ सफर माना जाता है, लेकिन अब लगता है कि भारत की लाइफलाइन को किसी की काली नजर लग गई है। क्या पर्दे के पीछे कोई दुश्मन है जो ट्रेन को बार बार टारगेट कर रहा है? कोई तो है जो रेल से मौत के खेल की साजिश रच रहा है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश हो रही है, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश में जो हुआ उससे अंदेशा लगाया जा सकता है कि कुछ लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल बुरहानपुर में कुछ अज्ञात लोगों ने रेलवे ट्रैक के बीच डेटोनेटर लगाकर रेल को उड़ाने की कोशिश की है। यहां से सेना की स्पेशल ट्रेन गुजर रही थी। इस दौरान ड्राइवर ने धमाकों की आवाज सुनते ही इसकी जानकारी स्टेशन मास्टर को दी। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से यह साजिश नाकामयाब हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही एनआईए की टीम हरकत में आ गई और मौके पर पहुंची। ऐसा बताया जा रहा है कि सेंट्रल रेलवे के भूसावल मंडल के अंतर्गत आने वाले सागपाटा रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर रेलवे ट्रैक पर अज्ञात लोगों ने 10 डेटोनेटर लगा दिए थे। जैसे ही ट्रेन डेटोनेटर से गुजरी और धमाका हुआ, इसके बाद ड्राइवर ने ट्रेन को रोक दिया और इसकी जानकारी स्टेशन मास्टर को दी। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में भी ट्रेनों को नुकसान पहुंचाने की साजिश की जा रही थी। हालांकि समय रहते एक बड़ा हादसा टल गया है। दरअसल बुरहानपुर के नेपा नगर में ट्रेन को बेपटरी करने की कोशिश की गई थी। पटरी पर अज्ञात बदमाशों ने डेटोनेटर लगाया था। डेटोनेटर मिलने की जानकारी के बाद जांच एजेंसियों में हड़कंप मच गया। फिलहाल मौके पर एटीएस और एनआईए की टीम पहुंची। भुसावल रेल मंडल के तहत आने वाले नेपा नगर के सागपाटा स्टेशन नजदीक का ये पूरा मामला है। फिलहाल डेटोनेटर लगाने वाले अज्ञात बदमाशों की तलाश में पुलिस जुट गई है। हर एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर विधानसभा के सागपाटा क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों द्वारा डेटोनेटर की मदद से ट्रेन उड़ाने की साजिश की गई थी। डेटोनेटर पर से ट्रेन गुजरने के दौरान हुए धमाके से ड्राइवर सचेत हो गया और ट्रेन रोककर स्टेशन मास्टर को इसकी सूचना दी। कानपुर, अजमेर और अब सूरत, ये वो स्टेशन है जहां ट्रेन को डिरेल करने की साजिश रची गई। गुजरात के सूरत में रेलवे ट्रेन को पलटाने की बड़ी साजिश की गई थी, लेकिन समय रहते ही साजिश का पर्दाफाश हो गया और सैकड़ों लोगों की जान बच गई। रेलवे के जो कर्मचारी और इंजीनियर्स हैं उन्होंने आके वो ट्रैक को रिपेयर किया, नट बोल्ट फिट कर दिए और फिश बेल्ट प्लेट को फिर से लगाई गई। इस तरह से एक जो किसी जो व्यक्ति हैं जो गुनहगार है उन्होंने ये रेलवे ट्रैक को डैमेज करके एक कृत्य किया है। अभी उसकी फरियाद लेने चालू हैं। जीआरपी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और सूरत ग्राम्य पुलिस सब मिलकर अलग अलग टीम बनाकर इसको डिटेक्ट करने की अभी कोशिश कर रहे हैं हम लोग।
शनिवार को वडोदरा पश्चिम रेलवे डिवीजन में रेलवे ट्रैक के साथ छेड़छाड़ की सूचना मिली तो रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। सूरत के पास किम स्टेशन ट्रैक की फिशिंग प्लेट और चाबियों को खोला गया था, लेकिन रेलवे कर्मचारी की सूझबूझ के चलते एक बड़ा हादसा कर गया। रेलवे की मैन सुभाष कुमार जब ट्रैक का निरीक्षण करने पहुंचे तो वो सख्ते में आ गए। वो समझ गए कि ये बड़ी साजिश है। रेलवे की मैन ने तुरंत ही इसकी जानकारी आला अधिकारियों को दी और तुरंत आनन फानन में ट्रेन की आवाजाही को रोका गया। रेल पलटाने की साजिश का ये पहला मामला नहीं है। पिछले 13 दिन में 5वीं बड़ी ये वारदात है जब देश की लाइफ लाइन को टारगेट किया गया है। उसके पीछे कौन है, सुरक्षा एजेंसी इसकी तह तक जाने में जुटी हुई है। इससे पहले कहां कहां हुई ट्रेन डिरेल की साजिश बताते हैं आपको। 12 जुलाई 2024 बंगाल में रेलवे ट्रैक तोड़ने की कोशिश। 1 अगस्त 2024 लखनऊ के पास रेलवे ट्रैक पर साइकिल और गैस सिलेंडर मिला। 17 अगस्त 2024 कानपुर में रेलवे ट्रैक पर लोहे का टुकड़ा और क्लैंप मिले। साबरमती एक्सप्रेस के 20 डब्बे पटरी से उतरे। 18 अगस्त 2024 जबलपुर में रेलवे ट्रैक पर लोहे की छड़ें मिली। 20 अगस्त 2024 प्रयागराज में रेलवे ट्रैक पर बाइक का ऑयल मिला। 24 अगस्त 2024 अजमेर के पास रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखे मिले। 23 अगस्त 2024 फरुखाबाद के पास रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का टुकड़ा मिला। 28 अगस्त 2024 बारा के पास रेलवे ट्रैक पर बाइक का स्क्रैप मिला। 30 अगस्त 2024 रंगारेड्डा के पास रेलवे ट्रैक पर लोहे की रॉड मिली। 30 अगस्त 2024 पलामू में रेलवे ट्रैक से करीब 100 पेंड्रोल क्लिप गायब। 8 सितंबर 2024 अजमेर में मालगाड़ी को डिरेल करने की कोशिश। 9 सितंबर 2024 कानपुर में रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर मिला। 20 सितंबर 2024 सूरत में रेलवे ट्रैक के फिश प्लेट और कीज मिली गायब। यूपी के रामपुर में रेल ट्रैक पर खंभा रखे जाने की साजिश रची गई। आतंकियों के निशाने पर नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस की साजिशकर्ताओं ने महज 27 मिनट में ट्रैक पर खंभा रखकर नैनी दून जनशताब्दी ट्रेन को पलटाने की साजिश की, लेकिन लोको पायलट की सूझबूझ से हादसा टल गया। बीते कुछ दिनों में रेल पटरियों पर लोहे के रॉड बोल्डर सिलेंडर रखकर बड़े हादसे करने की साजिश के कई मामले सामने आए हैं। इसके पीछे आतंकियों का हाथ होने की आशंका जताई गई है। अब सरकार ने इससे निपटने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। अब रेल हादसे की साजिश रचने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाएगा। इसके लिए रेलवे अधिनियम में बदलाव किया गया है और इस बार जल्द ही अधिसूचना जारी हो सकती है। रेलवे भारत की लाइफलाइन है। देश में रोजाना ही 13,000 से ज्यादा ट्रेन चलती हैं। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग इससे सफर करते हैं, लेकिन लगता है कि भारतीय रेल देश के दुश्मनों के टारगेट पर है। रेल से मौत का खेल की लगातार साजिशें हो रही हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है जो रेल को डिरेल करना चाहता है, ट्रेन की रफ्तार को रोकना चाहता है। टीम न्यूज स्टेट। सह प्रायोजक HM